लेकिन नहीं आ सका यार, नहीं आ सका यार मैं। क्यों नहीं आ सका? जानना चाहता क्यों? झूठा ट्रक किसने फंसाया मुझे? उत्तर एक फोन तो कर लेता, तेरा इतना बड़ा परिवार है, हम वहाँ आ जाते तुझे बचाने। कॉल की बात कर रहे हो? वहाँ पे मुझे एक वकील नहीं दिया गया, एक ढंग का वकील नहीं दिया गया मुझे मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए। जो वकील उन्होंने मुझे दिया उसने मुझे बचाने की बजाय और फंसा दिया है यार। मुझे आज पता लगा, सुबह मुझे प्रीता जी की वजह से आज पता लगा। मुझे उसने पैसे लिए थे केस हारने के लिए ताकि मैं जेल किसने फंसाया तुझे? सिर्फ जेल नहीं, वो हैवान मेरी दुबई की प्रॉपर्टी, दुबई का बिजनेस, मुझसे सारे उन सब के पेपर्स मुझसे साइन करवाना चाहता था। मैंने साइन नहीं किया, इसलिए मुझे उसने जिंदा रखा। और जानना चाहता है? मुझे ड्रग केस में ऐसे फंसाया गया था कि मुझे फांसी की सजा हुई थी। जिनको तू छोड़ रहा है ना, आज अगर ये ना होती ना तो तेरा भाई यहाँ पर नहीं खड़ा होता। वो कहते ना कि चमत्कार होता है, इन्होंने किया वो चमत्कार। आज सुबह वो लोग कॉप्स आए, उन्होंने खोला और बोला तुम आजाद हो। साल के बाद पहली बार बोला आजाद हो। बोलो ऋषभ लूथरा, आज से आप आजाद हो, जा सकते हो यहां से। मैं यहाँ आई हूँ आपको घर ले जाने के लिए। चलिए अपने घर चलिए। और बाहर निकल के मैंने इनको देखा, पिताजी मेरे सामने खड़ी थी, मेरा भगवान बन के। और सिर्फ भगवान बन के नहीं, मुझे निर्दोष साबित करने के सारे सबूत लेकर। वहाँ की गवर्नमेंट ने मुझे क्लीन चिट दिया, बाइज्जत बरी किया इनकी वजह से। और तू इनको छोड़ना चाहता है? मैंने करण को कुछ बताया नहीं क्योंकि वक्त नहीं था। करण अगर मैं सही टाइम पर नहीं पहुंचती तो हम ऋषभ जी को खो सकते थे। करण तू कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा तू। किसने फंसाया तुझे? नाम बता मुझे। किसने फंसाया तुझे? झूठ किसने? नाम बता। कुछ नहीं करेगा तू। मैं कह रहा हूँ नाम बता मुझे। मैं तुझे कह रहा हूँ तू कुछ नहीं करेगा, चुप। किसने फंसाया तुझे? यही है, इसी घर में। कोई है? कौन? मैं तो नहीं। गॉड प्लीज प्लीज मेरा पर्दाफाश मत होने देना, मेरा राजफाश मत होने देना, एक आखिरी बार मुझे बचा लो प्लीज गॉड प्लीज। हमारे आसपास नाम बता, हमारे साथ ही रहता है। नाम बोल। बता दूं तेरा नाम? मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। करण मेरी बात सुन, करण मेरी बात सुन, छोड़ू करण कुछ नहीं करेगा। अच्छा हुआ कि ये बात मैंने करण से अभी तक छुपाई हुई थी, अगर पहले बता देती तो शायद ऋषभ जी तक पहुंच ही नहीं पाती। करण कुछ नहीं करेगा। शमेश इधर आ, संभाल करण को। करण भाई नहीं, कुछ नहीं करेगा तू। देखिए आप सब लोग मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर से बोल एक बार, फिर से बोल एक बार। कुछ नहीं किया तूने, तुमने कुछ नहीं किया है। चलो मैं दिखाती हूँ, सबको दिखाते हैं कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं। जानता भी है तू कितनी मेहनत की है, मैंने कितने पापड़ बेले हैं। ऋषभ लूथरा को दुबई के जेल में डाला है मैंने, हटाया है उसको ड्रग्स के इल्जाम में। सबसे पहले एक नकली दोस्त उसकी जिंदगी में प्लान किया, तो ये कहा ऋषभ लूथरा को ड्रग्स दो, उसको फंसाओ। उसके बाद एक वकील हायर किया जिसको मैंने ये कहा कि उसे यकीन दिलाओ कि उसके घर में से कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता, वो भी अपने घर में किसी से बात नहीं कर सकता, और उसे ये भी यकीन दिलाओ कि वो कभी भी सलाखों के बाहर नहीं आ सकता। जेल में बिठाए हुए हर दिन के लिए मैं तेरी जान ले लेना चाहता हूँ, पर मैं ऐसा करूँगा नहीं, कि मैं अपने परिवार के साथ और मैं खुश हूँ। आउट। अभी के अभी घर से निकलो। I said out! ऋषभ जी रुक जाइए, ये काम मैं करती हूँ। तेरा फैसला पुलिस करेगी, तेरी किस्मत ने तेरा साथ यहीं तक देना था, इसके बाद किस्मत भी साथ नहीं देगी। योर गेम इज ओवर। प्रीता जी, और कितना करेंगे इस परिवार के लिए, बदले में क्या मिलता है आपको? थैंक यू बहुत छोटा शब्द है, मैं आपको शायद थैंक यू नहीं बोल सकता। पर इस पगलू को मुझे देने के लिए, मेरे परिवार को मुझे देने के लिए थैंक यू। आपने मेरी जिंदगी मुझे लौटाई पी था जी। आपके बिना ये काम कोई नहीं कर सकता था। आई स्वेयर ये कोई नहीं कर सकता था। आप नहीं होती ना प्रीता जी, तो आज शायद मैं अपने परिवार के साथ ना होता, इस पगलू के साथ ना होता। प्रीता, थैंक यू सो मच। अभी एक काम बाकी है, आप सब लोगों का टाइम खराब किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आप लोग क्रिश नजरें नहीं मिलाओगी। पूछोगे नहीं मैं कैसा हूं? बीवी हो ना मेरी, इतना तो पूछ ही सकती हो। अपनी कहानी खुद सुनाओगी या मैं सुनाऊं? चॉइस इज योर। इस घर से इज्जत से निकलोगी या बेइज्जत होकर? ऋषभ, डिसाइड कर लो। ऋषभ बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? कुछ नहीं बुआ, मैं ही सुनाता हूँ। जो आपकी शर्लिन है ना, जिसको आप बहू बनाकर घर पे लेके आए थे, इनका अफेयर चल रहा था पृथ्वी के साथ, और कब से चल रहा था। Shame on you. कृतिका, तुम्हारी वजह से मैं गया था दुबई। जब मुझे इसकी असलियत पता चली ना, उसके बाद मैं गया था दुबई, ताकि यहां पर रह के मैं कुछ कर ना बैठूं। वहां गया था अपना दिमाग ठंडा करने के लिए, अपना बिजनेस सेटल करने के लिए। सोचा था यहां पे आऊंगा आराम से, उसके बाद तुमको डिवोर्स दूंगा, लेकिन जो अधूरा काम छोड़कर गया था वो आज पूरा करूंगा। आज की रात है तुम्हारे पास, आज की रात। इंसानियत है इसलिए आज की रात दे रहा हूं। But tomorrow morning, out from my house, from my life, from my family. डिवोर्स तो मुझे क्या, डिवोर्स मैं तुम्हें दूंगी, और इस घर से खाली हाथ नहीं जाऊंगी, एलिमनी लेके जाऊंगी। शर्लिन, How dare you? मिल गया जवाब? यही एलिमनी है तुम्हारी। एलिमनी के लिए शादी की थी ना तुमने। तुम्हें कोर्ट जाना है ना? Now I'll see you in court. मैं तुमको बताऊंगा कि कोर्ट में कैसे घसीटते हैं। और तुम क्या मुझे घसीटोगी? तुम्हारे सारे काले करतूतों की चिट्ठा है मेरे पास, सबूत है सारे मेरे पास। तुम शुक्र मनाओ अगर तुमको सजा ना मिले तो। आज की रात है तुम्हारे पास, सिर्फ आज की रात। कल सुबह होते ही लीव आवर हाउस। तूने आज के बाद अगर प्रीता जी को हर्ट किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं? हाँ, तुम। दीप। सृष्टि, गिव हर टाइम। ओ भाई साहब, जाना है तो तू जाना, जा जाके उनको मना। मुझे नहीं जाना यार, मुझे तेरे साथ रहने का मन है भी। आप लोग वहाँ क्या कर रहे हो? आओ यार, तरस गया आप लोगों को हक करने के लिए। प्रीता, तुम तो करण को छोड़ के जा चुकी थी ना। वो मैं थी जिसने करण को संभाला, उसके बुरे वक्त में उसके साथ थी। तो उसका प्यार, उसका अटेंशन सब मैं डिजर्व करती हूँ, तुम नहीं। इनफैक्ट आज तो मुझे यकीन हो गया है कि सिर्फ मैं ही नहीं, करण भी मुझसे प्यार करता है। उसने शादी के लिए हाँ बोली और हम वेरी श्योर कि वो मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं उससे करती हूँ। और ये शादी तो अब होके रहेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। ये कैसे ख्वाब देख रही हो तुम? ये जो सपने तुम ले रही हो ना, ये सपने लेना बंद कर दो, क्योंकि ये सच नहीं होने वाले। अगर तुम्हें सच सुनना है तो मैं तुम्हें बताती हूँ, करण तुमसे कभी शादी नहीं करने वाला है। वो तो मैं करण से किसी बात से नाराज थी, तो जो वो मुझसे सुनना चाहता था उससे मैंने वो कहा नहीं। लेकिन अगर मैंने वो बात उसे कह दी तो एक ही पल में तुम्हारी जिंदगी की सारी स्टोरी बदल जाएगी। एक ही पल में वो तुम्हें यहाँ से गेट आउट होने के लिए कह देगा। प्लीज रहने दो तुम्हारा ये ड्रामा और ये सब। जो तुम एक पल की बात कर रही हो ना, करण तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता है। तो ये एक पल में तुम उससे कुछ कहोगी और वो मुझे इस घर से गेट आउट कर देगा, ये सब नहीं होने वाला। इनफैक्ट 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन में प्रीता, करण मुझसे शादी करेगा और मैं इस घर की मिसेस लूथरा बनूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच, समझी तुम? ऋषभ, तुझे पता है पुत्र, जब तू नहीं था ना तो ऐसा एक दिन, एक पल नहीं गुजरा जब तेरी याद नहीं आई। कहने को तो जी रहे थे लेकिन एक एक सांस मुझे भारी पड़ रही थी। जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा। अच्छा हुआ तो आ गया पुत्र। आपको पता है मम्मा, आपको जो प्यार और भारी भरकम डायलॉग है ना, इससे भगवान भी पिघल गए। इसलिए एक दिन भगवान मेरे सपने में आए थे। उन्होंने बोला, ओ ऋषभ, क्या कर रहा है यहाँ पर? जहाँ तेरी मॉम डैड को तेरी जरूरत है, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और प्रीता जी आ गई भगवान बन के मुझे छुड़ाने, और मैं यहाँ आ गया। मेरा सूप। मम्मा, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे मत किया करो प्लीज। आपको पता है ना मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता। तो मुझे भूल गए ना, है ना? ऋषभ आ गया तो सब भूल गए। ऐसा कभी हो सकता है क्या? माँ, आप कहाँ इसकी बातों में आ रहे हो? पता नहीं आपको कैसा है ये कभी सुधरेगा नहीं। ये बचपन से ऐसा है। आपको याद ही नहीं बचपन में क्या करता था? याद है तेरे को? इसको हमेशा प्रॉब्लम होती थी। जब भी मुझे कोई इससे ज्यादा टेंशन देता था, इसको प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी, रोना शुरू कर देता था। मजाक कर रहा था मैं। आज ये कुकड़ा, ये जल कुकड़ा, देखो किस शक्ल पे लिखा है। मजाक कर रहा था मैं। तू आ गया ना तो जिंदगी वापस आ गई। तू आ जाता ना तो लगता कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा बड़ा भाई वापस आया तो टेंटम तो फेंक सकता हूँ ना। मुझे पता है मुझे संभालने वाला आ गया। हाँ, लेकिन अब तुझे संभालना है। इसका मतलब ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबल जिंदगी पर बने रहना। उठो, ये लो, हाथ में पकड़ पकड़। डैड को सूप पिला, मैं फ्रेश होके आता हूँ। चल काम कर थोड़ा। माँ मैं आता हूँ। वैसे तो मैं खुद भी पी सकता हूँ लेकिन अच्छा लग रहा है। हर बार मुझे अपने प्यार का इम्तिहान देना पड़ता है। क्यों मुझ पर विश्वास नहीं करते तुम करण? तुम्हारा और मेरा भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तुम क्यों मुझसे दूर जाने का सोचते हो? ऐसा ख्याल भी तुम्हारे दिल में कैसे आता है?